हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में पेन होल्डर या पेंसिल होल्डर मतलब एक पेंसिल बॉक्स समझ लो, वैसा कुछ डीआईवाई करेंगे पुरानी जीन्स से। तो सबसे पहले मैंने ये पुरानी जीन्स ली है एंड इसके पॉकेट का पीछे का पोर्शन कट कर लिया है। देन इसको राउंड करके सर्कल शेप में कट कर लिया है। ऐसे आपको दो कर लेने हैं, वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप उसको देख के फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही आपको दो कट कर लेना है। देन 23 सेंटीमीटर का दोनों साइड से मेज़रमेंट लेकर जीन्स में से ही आपको कट कर लेना है। मैंने पहले से ही कट करके रखा है। देन एक चेन लेनी है, फिर वही कपड़ा जो अपन ने मेज़रमेंट लेकर रखा है उसी को पहले जो सर्कल कट करके रखा था उसके ऊपर से रख कर देखना है कि वो सही मेज़रमेंट आ रहा है या नहीं। फिर अपन उसको स्टिच कर लेंगे। पहले मैंने हाथ से स्टिच करा है, देन मैंने मशीन का यूज़ करा है। ऊपर भी मैंने 5 सेंटीमीटर का कट करा है और 18 सेंटीमीटर का था वो। पहले जो छोटा वाला पोर्शन दिया है 5 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाला, उसको अपन पहले सर्कल से ऐसे स्टिच कर लेना। हाथ से करना ज़रूरी नहीं है, वो मेरा परफेक्शन उतना है नहीं, इसलिए मैंने पहले हाथ से करा, देन मैंने मशीन का यूज़ करा है। शेप में स्टिच करने लेने के बाद उसको स्ट्रेटली भी स्टिच करा है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कुछ भी स्टिच करते हो तो स्पेशली जीन्स का कपड़ा कुछ भी बनाते हो तो आप उसको दो बार स्टिच करना, क्योंकि एक सिलाई अगर आप स्टिच करोगे तो वो फिर बाद में सिलाई खुल जाती है या फिर मतलब वो ज़्यादा मजबूत नहीं बनता है।
हल्का बनता है। देन ये स्टिच हो जाने के बाद जो मैंने 23 सेंटीमीटर का लिया था और 9.5 इंचेस का ये कपड़ा लिया था, मतलब 23 का जो लिया था, उसी को नीचे वाले पोर्शन से अपन ने जो एक और सर्कल बचा हुआ था उसको स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हल्का हल्का फोल्ड करते करते स्टिच करना है और इसे भी दो बार ही स्टिच करना है। देन जो ये एंड बचता है इसको भी स्टिच कर लो स्ट्रेटली। देन उसको सीधा कर लो, उल्टा स्टिच करा था ना तो सीधा तो करना पड़ेगा। तो सीधा करने के बाद जो ऊपर वाला भी पोर्शन स्टिच करके रखा था उसको भी सीधा कर लो। देन इसके बाद हमने जो चेन निकाल रखी थी इसी मेज़रमेंट का चेन लेना है, हल्का सा कम होना चाहिए। लाइक मेरा मेज़रमेंट कम हो रहा था, अगर आपका सेम मेज़रमेंट है तो और अच्छा है। तो दोनों साइड पहले चेन लगा लेना है। चेन स्टिच करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा बच रहा, थोड़ा सा बीच में गैप बच रहा था, इसलिए मैंने उसी नाप का कपड़ा कट करके उसको स्टिच कर दिया। स्टिच नीचे साइड भी किया और ऊपर साइड भी, फिर जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था उसको कट करके ऊपर साइड पे स्टिच करा। तो इस तरह से दोनों साइड की चेन अच्छे से लग जाएगा। Thank you.
ये लगाने के बाद पीछे वाला पोर्शन थोड़ा बच रहा है, तो मैंने उसी मेज़रमेंट में कट करके एक कपड़ा ऊपर से ऐसे पहले सीधे स्टिच करा है, देखो दिख रहा है वीडियो में, देन उसके बाद उस साइड से लिया है। उसके बाद फिर मेरे पास ये टैग था, मतलब उसी जीन्स का ही टैग है ये, और फिर मैंने उसको उस पर लगा दिया। उसके बाद ये पेन होल्डर या जो भी बोलना चाहो वो बन के तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।